हम इसमें बात करेंगे कि अनीता जो कि एक गांव की लड़की है, वो अपनी पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत करती है और हनी बीज का पालन भी करती है जिससे वो कि पैसा कमा सके और अपने गांव वाले और अपने परिवार की मदद कर सके। जब वो छोटी बच्ची रहती है तो वो बहुत कठिन परिश्रम करती है, दूर स्कूल जाती है और बकरियों को भी चराती है। उसका स्कूल जाने का सपना एक दिन सच हो जाता है जब उसके गांव में अध्यापक आकर उनके मम्मी पापा को समझाते हैं कि स्कूल जाना और बच्चों का पढ़ना कितना ज़रूरी है। उनके मम्मी पापा ने उनका एडमिशन उनका दाखिला करवाते हैं और वो क्लास 5th पास हो जाती है पढ़ करके। उसके बाद वो क्लास 6th में एडमिशन लेती है और वो पढ़ाई जारी रखती है। जब वो स्कूल जाने का वक्त आता है तो वो मधुमक्खी का पालन भी करना शुरू कर देती जिससे कि वो पैसा इकट्ठा कर सके। वो बहुत पैसा इकट्ठा करके अपने मधुमक्खी पालन के कारोबार को बढ़ाना चाहती थी जिससे कि गांव वालों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके और उसे मधु का जो शहद होता है उसकी अच्छी कीमत मिल सके। इसके लिए वो बहुत परिश्रम करती है और लोगों से बातचीत करके उनके हर एक समस्याओं के बारे में बात करती है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एपिसोड जिसमें हम बात करेंगे कि वो मधुमक्खी पालन तक कैसे पहुंची अपने स्कूल से। स्टेइंग इन स्कूल, टाइम पास्ड, समय बीत गया एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5। समय बीत गया और जल्दी ही मैंने क्लास 5वीं पास कर ली, पूरी कर ली। आई न्यू दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6। पता था कि मुझे और खर्च करने की आवश्यकता होगी कक्षा 6 में। माई पेरेंट्स सेड दैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल। मेरे माता पिता कहते थे कि यह मेरा स्कूल छोड़ने का समय था। बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर, लेकिन मैं और पढ़ना चाहती थी। आई फाउंड अ वे टू डू दिस, मैंने यह इसके लिए एक तरीका पाया। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रेन, मैं छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दी मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट, पैसे से जो मैंने पाए थे, आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ऑन स्टडीज, मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखने में सामर्थ थी। बच्चे को ट्यूशन पढ़ाकर जो पैसे पाती थी उसे से मैं अपनी स्टडी को जारी रख सकती थी। वन स्वीट ड्रीम, वन स्वीट मेमोरी, एक मधुर याद, मीठी याद। आई रिमेम्बर सम ओल्डर बॉयज इन माई विलेज आल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रेन, मुझे याद है कुछ बड़े बच्चे हमारे इस गांव में मेरे गांव में छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। दे डिड नॉट लाइक इट, उन्हें यह पसंद नहीं था जब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड टू स्कोल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रेन सो दैट दे वुड नॉट कम टू मी, वे बच्चों को डराने और धमकाने लगे ताकि वो मेरे पास ना आ सके। फॉर सम टाइम ऑल द चिल्ड्रेन एक्सेप्ट टू स्टॉप्ड कमिंग टू मी, कुछ समय के लिए सभी बच्चे 2 के अलावा
मेरे पास आना बंद कर दिए। बट सून दे आल कम बैक बिकॉज आई यूज टू टीच देम विथ लव एंड केयर। लेकिन जल्दी ही वे वापस आ गए क्योंकि मैं उन्हें प्यार से और सावधानी के साथ पढ़ाती थी। लेट अस टॉक, चले बात करते हैं। डू यू नो समवन हु वांटेड टू स्टडी बट कुड नॉट डू सो। क्या आप जानते हैं किसी को जो पढ़ना चाहता है लेकिन वो नहीं पढ़ सका। टॉक अबाउट देम इन क्लास, उसके बारे में कक्षा में बात करें। फॉर द टीचर, शिक्षक के लिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टर्म डिबेट टू चिल्ड्रेन। डिबेट टर्म का मीनिंग स्पष्ट करें बच्चों से। डिबेट का अर्थ होता है वाद विवाद करना। वाद विवाद मतलब किसी मुद्दे पर आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, कोई इश्यूज होगा जिस मुद्दे पर आपके ओपिनियंस, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, आप उस समस्या से कैसे निजात पाएंगे, उस समस्या को कैसे दूर करेंगे, उस समस्या का कारण क्या है, उस समस्या का निवारण क्या है, इसके बारे में बात करिए। इसी को कहते हैं डिबेट। डिबेट मीन्स बहस, किसी मुद्दे पर बहस करिए और एक अच्छा रिजल्ट, अच्छा निष्कर्ष निकालिए जिससे कि वो समस्या बंद हो सके, कम हो सके। डिबेट हेल्प्स चिल्ड्रेन लुक एट एनी इशू फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। डिबेट बच्चों की मदद करती है अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग कोण से किसी मुद्दे को देखने में, किसी मुद्दे को अलग अलग कोण से देखने में बच्चों को मदद करता है डिबेट, वाद विवाद या फिर बहस। इंकरेज चिल्ड्रेन टू गिव देयर ओपिनियंस इन क्लास। बच्चों को प्रोत्साहित करें उन अपना ओपिनियन देने के लिए, अपना विचार देने के लिए क्लास में। क्लास में अपना विचार रखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें। एवरी चाइल्ड हैज राइट टू फ्रीडम फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8। प्रत्येक बच्चे का कक्षा 8 तक पढ़ने का निःशुल्क में पढ़ने का अधिकार प्राप्त है, निःशुल्क में शिक्षा का अधिकार है। डू यू थिंक दैट ऑल चिल्ड्रेन आर एबल टू स्टडी अप टू क्लास 8। क्या आप सोचते हैं कि सभी बच्चे कक्षा 8 तक पढ़ने में सामर्थ्य हैं। डिस्कस, इसके बारे में आप डिस्कस करिए, वाद विवाद करिए, बातचीत करिए एक दूसरे से। तो हाँ, सभी बच्चे लगभग, अभी तो सभी बच्चे एबल होते हैं, लेकिन उस समय में क्या स्थिति थी, उस समय में तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि इतने फैसिलिटीज़ नहीं थी, स्कूल्स नहीं थे। लेकिन अभी तो फैसिलिटीज़ भी है, स्कूल भी है और सभी एबल भी हैं, क्लास 8 तक तो पढ़ते ही हैं सभी बच्चे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं व्हाट इज आरटीई एक्ट 2009। आरटीई एक्ट 2009 क्या होता है, क्या आप जानते हैं। दिस प्रोवाइड द राइट ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ई चाइल्ड एज्ड 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 साल के बच्चे तक प्रत्येक 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देने का अधिकार है, अधिकार दिया गया है 2009 एक्ट में, आरटीई एक्ट 2009। स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर्स टू स्कूल। धीरे धीरे मैंने शुरू कर दिया, बात करना शुरू कर दिया दूसरे माता पिता से अपने गांव में, उनके अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने के बारे में, अपने बच्चियों को स्कूल
भेजने के बारे में मैंने गांव के दूसरे माता पिता से भी बात करना शुरू कर दिया। माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता आल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क। मेरे माता पिता भी मेरी मदद करने लगे, मेरी मदद करना शुरू कर दिए, मेरे काम में मेरी मदद करना शुरू कर दिए। माई मदर यूज्ड टू डू ऑल द हाउस वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी। मेरी माँ घर का सारा काम करती थी ताकि मैं पढ़ाई में ज़्यादा समय दे सकूं। आज सीक्रेट, एक रहस्य। आई लर्न्ड हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल। मैंने सीखा कैसे गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हैं। आई डिड नॉट टेल एनीवन। मैंने किसी से बताया नहीं। आई फेल डाउन एंड गॉट हर्ट मैनी टाइम्स बट आई वॉज हैप्पी। मैं कई बार गिरी और चोटिल भी हुई लेकिन मैं खुश थी क्योंकि मैंने तो गाड़ी चलाना सीख लिया था, मैंने मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया था। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग। स्कूल से बी कीपिंग तक। बी कीपिंग मीन्स मधुमक्खी पालन तक। देयर आर मैनी लीची ट्री इन आवर ट्रीज इन आवर एरिया। मेरे क्षेत्र में कई सारे लीची पेड़ के पेड़ थे। लीची जो कि एक फ्रूट होता है। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स। हनी बीज लीची फ्लावर की तरफ आकर्षित होते हैं। मैनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी। कई सारे लोग मधुमक्खी पालन करते हैं और हनी मीन्स शहद इकट्ठा करते हैं। आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस। मैंने भी सोचा यह करने कि मैं भी यह कर सकती हूँ। आई ज्वाइंड अ कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस। मैंने सरकार द्वारा चलाए गए एक कोर्स को ज्वाइन किया इसके बारे में जानने के लिए। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स। मैं अकेली लड़की थी इस कोर्स में। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग मेरे प्रशिक्षण के दौरान आई फाउंड दैट हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। मैंने पाया कि मधुमक्खी अक्टूबर से दिसंबर के माह में अंडे देती हैं। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। यही सबसे अच्छा समय होता है मधुमक्खी पालन का। हैव यू सीन एनी इंसेक्ट नियर फ्लावर्स। क्या आपने कोई इंसेक्ट कीड़ा देखा है फ्लावर के पास, फूल के पास? फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट। उनके नाम पता करें और लिखें। बिल्कुल, हमने देखा है बटरफ्लाइज देखा है, हनी बीज देखा है, वास्प देखा है। ड्रॉ एंड एंड्स देखे हैं। ड्रॉ एंड कलर देयर पिक्चर इन द नोटबुक। तो आप उसके चित्र को चित्रित करें और उसे रंग करें अपने नोटबुक में, तो चित्र आप बना लेंगे हनी बीज का, वास्प का और एंड्स का, बटरफ्लाइज का। फॉर द टीचर, शिक्षक के लिए। फाइंड आउट डिफरेंट स्कीम्स अवेलेबल फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। लड़कियों के लिए शिक्षा के उपलब्ध योजनाएं, अलग अलग तरह की उपलब्ध योजनाओं के बारे में पता करें। अलग अलग योजनाओं को पता करें। फर्दर हेल्प देम आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्किल डेवलपमेंट और उनकी अपॉर्चुनिटीज़, संभावनाओं को, स्किल कौशल विकास की अपॉर्चुनिटीज़ को भी मदद करें। उनकी स्किल, उनके कौशल विकास के लिए संभावनाओं को पहचान कर बच्चों को बताएं। व्हाई डू यू थिंक दे कम टू द फ्लावर्स। फाइंड आउट, पता करें क्यों वो फ्लावर के पास, वो क्यों वो फूल के पास आती हैं।
वेन हनी बीज फ्लाई, जब हनी बीज जब मधुमक्खी उड़ती है, देयर इज काइंड ऑफ साउंड, एक प्रकार की ध्वनि होती है, वहाँ पर एक प्रकार की ध्वनि होती है। कैन यू ट्राई टू कॉपी दिस साउंड, यस, क्या आप यह ध्वनि कॉपी नकल करना करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल आप कर सकते हैं। हनी बीज भिन भिन आती हैं करके। बिकमिंग अ बी कीपिंग, बी कीपर कैसे बने आप? बिकमिंग अ बी कीपर कैसे बनी बनना? आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स, मैंने बी कीपिंग कोर्स मधुमक्खी पालन का कोर्स कंप्लीट किया, अध्ययन पूरा किया। बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ऑन बीज एंड स्टार्ट वर्क, मेरे पास पैसे नहीं थे बीज के लिए और मधुमक्खी के लिए और अपने काम को शुरू करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। आई कॉन्टिन्यू टू टीच, मैंने पढ़ाई को जारी रखा, पढ़ाना जारी रखा, मैंने पढ़ाना जारी रखा एंड विद टाइम कुड कलेक्ट 5,000 रुपीज़, और समय के साथ मैंने 5,000 रुपये इकट्ठे किए। विद दिस मनी, इस पैसे से आई बॉट 2 boxes फॉर कीपिंग बीज, इस पैसे से मैंने 2 बक्से मधुमक्खी पालन के लिए खरीदे। ईच बॉक्स कॉस्ट 2,000 रुपीज़, प्रत्येक बक्से की कीमत 2,000 रुपये थी। विद द रिमेनिंग मनी, बचे हुए पैसे से आई बॉट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज एंड मेडिसिन टू क्लीन द बी हाइव्स, बचे हुए पैसे से मैंने सिरप बनाने का शुगर हनी बीज के लिए और दवाइयाँ उन्हें साफ मधुमक्खी के छत्ते को साफ करने के लिए खरीदे। मधुमक्खी के छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ और हनी बीज को पिलाने के लिए शुगर सिरप हमने खरीदे। आप देख सकते हैं कि अनीता किस तरह से हनी बीज के बॉक्स में से हनी निकाल कर हनी रैकेट निकाल कर हनी प्लेट निकाल कर उसे मधु इकट्ठा कर रही है। आप देख सकते हैं हनी हनी बीज बॉक्स है, कई सारे बॉक्स रखे हैं गार्डन, लीची गार्डन में। इस तरह से अनीता ने अपना हनी बी कीपिंग जारी रखा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमें बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।